सिंगरौली जिले के निगोही प्रोजेक्ट के डीबीएल कंपनी में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन सिंगरौली की ओर से जिला अध्यक्ष अरुण दवे पांडे के सानिध्य में डीबीएल कंपनी का घेराव किया गया। घेराव में केवल 3 मुद्दों पर बात की गई। पहला मुद्दा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए, दूसरा मुद्दा डीबीएल कंपनी के द्वारा पूर्व में कार्य कर रहे कुछ वर्करों को बाहर किया गया था जिनको तत्काल नौकरी पर रखने का, तीसरा मुद्दा विस्थापितों को सर्व सुविधा दिलाई जाए जिसमें कंपनी ने स्थानीय युवाओं बेरोजगारों को रोजगार देने का तत्काल आश्वासन दिया और 15 दिन के अंदर 10 ड्राइवरों को रखने का भी आश्वासन देते हुए समझौता कराया गया। समझौते के समय जिलाध्यक्ष अरुण दवे पांडे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन सिंगरौली, समीर घोष प्रोजेक्ट मैनेजर डीबीएल कंपनी एचआर डीबीएल कंपनी, तहसीलदार साहब मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी, चौकी प्रभारी गौरवी चौकी प्रभारी सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं अरुणदेव पांडे ऑल इंडिया फेडरेशन जिला सिंगरौली के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं डीबीएल कंपनी का आज घेराव करते हुए डीबीएल कंपनी को चेता देना चाहते हैं कि यदि अगर 15 दिवस के अंदर यदि अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो हम करेंगे उग्र आंदोलन, चक्काजाम कर देंगे, गेट को पूर्ण रूप से जाम कर देंगे और सिंगरौली में जितनी भी ओबी कंपनियां आई हैं सब में अब हम अपने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं। यदि अगर कंपनी अच्छे स्तर से नहीं मानती है तो हम कंपनी में उग्र आंदोलन करेंगे और कंपनी को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। किसी भी प्रकार का कोई गेट से आवागमन भी नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।